मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर कितने गुट हावी, मध्य प्रदेश में कितने और गुटों में बटेगी बीजेपी, महाराज शिवराज और नाराज बीजेपी कर पाएगी फतह। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आए, परिणाम में कांग्रेस को जीत मिली और बीजेपी को हार। वहीं अब कर्नाटक के बाद तीन और राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरा फोकस कर रही है, इसकी वजह भी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश उसमें सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। जाहिर है कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर दो दशक से सत्ता में काबिज बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर एक साथ कई गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी पहली बार सोशल मीडिया और सड़कों पर आ गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष पार्टी यानी कांग्रेस बीजेपी पर लगातार तंज कस रही है। बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। सिंह ने कहा, बीजेपी में अभी शिवराज महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नाराज गुट हावी है। एमपी बीजेपी में गुटबाजी पर दिल्ली से भोपाल तक बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पहली वजह तब सामने आई जब गुना शिवपुरी में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मन से ही लोगों से माफी मांगने लगे। सिंधिया 2019 में इसी सीट से कांग्रेस की टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से चुनाव हार गए थे। सिंधिया का माफी मांगना केपी यादव को नागवार गुजरी और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर दिया। यादव ने वीडियो में सिंधिया को मूर्ख और बेवकूफ कहते हुए बीजेपी में आने पर तंज कसा। केपी यादव ने कहा, अगर उन्हें इतना ही दुख है तो कांग्रेस में चले जाएं, मुझसे चुनाव लड़कर दिखाएं। इस प्रकरण के बाद हाईकमान सख्ते में आ गई और केपी यादव को भोपाल तलब किया गया। हालांकि हाईकमान और केपी यादव के बीच क्या चर्चा हुई ये सामने नहीं आया। वहीं दूसरी वजह गोपाल भार्गव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शिवराज के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के सामने ही मोर्चा खोल दिया। गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव सागर जिले से ही आते हैं। राजपूत और भार्गव का आरोप है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह उनके विधानसभा में प्रस्तावित कार्यों को तरजीह नहीं देते हैं, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं की भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि सियासी गलियारों में विरोध की दूसरी वजह भी बताई जा रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है, मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान नए अध्यक्ष के नामों पर मंथन कर रही है जिसमें शिवराज गुट के भूपेंद्र सिंह सबसे आगे हैं। अब आते हैं तीसरे विवाद पर। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बायो से बीजेपी हटा दिया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से पहले भी इसी तरह ट्विटर पर बायो बदला था। सिंधिया के ट्विटर अपडेट पर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही सिंधिया ने ट्विटर बायो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस अगर मेरे ट्विटर बायो की बजाय जनता की बात पढ़ती तो पार्टी का ये हाल नहीं होता। सिंधिया ने इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा, दिग्विजय की वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बुरी तरह से पिट चुकी है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद पर खुद की दावेदारी कर रहे हैं। खैर बात कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी की अंतर्कलह आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती है।